48 साल के लंबे समय के बाद जमरानी बांध के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत हल्द्वानी में बनने वाले जमरानी बांध का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस बहुद्देशीय परियोजना से उत्तर प्रदेश को 57,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई के साथ हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्र को 42 मिलियन क्यूबिक लीटर पीने का पानी मिलेगा। परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। जमरानी बांध परियोजना के जरिए 57,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया जाएगा। इसमें 9,458 हेक्टेयर जमीन उत्तराखंड और 47,607 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की है। जमरानी बांध परियोजना के निर्माण की कवायद 1975 से चल रही है। जमरानी बांध परियोजना को 1975 में स्वीकृति मिली थी। इस बांध की ऊंचाई 150.60 मीटर और लंबाई 9 किलोमीटर और चौड़ाई 1.5 किलोमीटर होगी। जब इस जमरानी बांध परियोजना को स्वीकृति मिली थी तब इसकी लागत 61 करोड़ थी, लेकिन वर्तमान में बांध परियोजना की लागत 2,584 करोड़ की आसपास है, यानी कि इन 48 सालों में परियोजना की लागत 39 गुना बढ़ गई है। जामरानी डैम जो हमारा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो ये सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी और CCA ने आज इसको PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। जमरानी बांध के बनने से 10 लाख से अधिक की आबादी को लाभ होगा। मार्च 2028 तक पूरे होने वाले जमरानी बांध परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड सरकार को 1,557 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिलेगी। परियोजना को स्वीकृति मिलते ही जमरानी बांध के लिए सालों से संघर्ष करते आ रहे लोगों में खासा उत्साह है। 48 साल के लंबे इंतजार के बाद हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और यहाँ बहुत सी समितियाँ बनी थी जो इसके लिए आंदोलनरत थी। पूरा तराई भावर का क्षेत्र चाहता था कि जमरानी बने, क्योंकि जमरानी यहाँ पर की पेयजल की मुख्य आवश्यकता है आज के उसमें, और कृषि सिंचाई के लिए तो है ही। तो आज हमें उम्मीद जागी है क्योंकि केंद्रीय वित्तीय समिति से इनको जो है स्वीकृति मिल चुकी है। जमरानी बांध परियोजना के महाप्रबंधक का कहना है कि अब टेंडर स्लॉट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस प्रक्रिया में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर बांध के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा दिया जाए। इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसके मुख्य रूप से जो लाभ हैं परियोजना के, वो करीब 43 MCM पानी जो है वो हल्द्वानी शहर के पेयजल की आपूर्ति के लिए मिलेगा। बहरहाल 48 साल का इंतजार खत्म हुआ और अब अगले 5 साल का इंतजार है, जब जमरानी बांध बनकर तैयार हो जाएगा। इस परियोजना को स्वीकृति मिलने से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सिंचाई और पेयजल संकट का समाधान होने के साथ ही बिजली की समस्या भी खत्म होने की उम्मीद जग गई है। हल्द्वानी से पंजाब केसरी के लिए तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।